What is up guys, आदर्श here। तो हाँ, वीडियो वापस बहुत ज़्यादा जल्दी आ रहा है और आप लोगों को लगा कि भाई आज तो वीडियो आने से रहा, मगर वीडियो तो आएगा, ठीक है। और हम बहुत ही ज़बरदस्त, बाप रे बाप, ये क्या भाई, इसको देखना पड़ेगा, ठीक है। EX फाइटर का अटैक, एक सेकेंड, जब सभी फाइटर अटैक इंक्रीज हो ही रहा है तो इतना लिखने क्या मतलब भाई। अच्छा ठीक है, शायद कुछ छूट गए होंगे। ऑल फाइटर पावर चार्ज रेट डिक्रीजेस, अच्छा ठीक है, देखते हैं। तो आज हम लोग डिमोस बेस खेलने वाले हैं, क्योंकि भाई ये हमारे पास फाइनली नया कंटेंट आ ही गया और इसमें हम लोग पास इन टोटल 50 स्टेजेस होने वाले हैं, जैसे हम लोग नोटिस में था। यस, और ये हम लोग को और भी टूटेंगे, मतलब खुलेंगे, टूटेंगे नहीं। तो चलो हम लोग आज फाइनली इसको खेलते हैं और हम लोग फाइनली एक नया कॉन्टेंट खेलने के लिए मिल ही जाएगा आज गाइज। तो चलो हम लोग 3500 CP रिकमेंड किया गया है और ये तो हम लोग बड़े आराम से कर लेंगे। तो और हाँ, अगर आप लोग गौर नहीं किए तो यहाँ पर आप लोग एक चीज़ दिखा दें कि यहाँ हम लोग का बर्न डैमेज ईच सेट पीरियड है, ठीक है। तो ये हम लोग एक सेकेंड, ये हम लोग रिसीव करेंगे कि हम लोग डील करेंगे ज़्यादा। छोड़ो, हम लोग पहले अपना बेस्ट टीम लेकर चले जाते हैं यहाँ पर, फिर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। तो मेरे पास हम चलो रियू को लेकर खेलेंगे हम लोग यहाँ पर, और हम लोग स्ट्रीट फाइटर टीम बना लेते हैं। होपफुली हम लोग का कैरेक्टर मरेगा नहीं इतना सस्ता लेवल में। अगर मर गया ना भाई, तुमको ये गेम बंद कर देना चाहिए तब। अच्छा ठीक है, मजाक कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। और चलो चुनली को ही ऐसे स्ट्राइकर ले जाते हम लोग। सो गाइस, चलो शुरू करते हैं, देखते हैं हम लोग पास डिमोस बेस में क्या नया है खेलने के लिए। देखो जो भी है, मज़ेदार होना चाहिए, मज़ा आना चाहिए, ठीक है, हल्का चैलेंजिंग हो और फन हो। तो और हाँ, आप लोग तो अब तक इसको खेल चुके, तो आप लोगों को बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। तो चलो इसको शुरू करते हैं जल्दी से। सो गाइस, हियर वी आर। और ये स्टेज काफ़ी फैमिलियर है, मतलब काफ़ी अलग फील भी देता है, देन इट्स गुड। और यहाँ पे ये ख़त्म, वहाँ पे वो ख़त्म। ये आग का गोला क्या है भाई? ओ, हम लोग बर्न डैमेज रिसीव करेंगे। अच्छा अच्छा, तो ऐसा है। तो भाई लोग एक हीलिंग स्ट्राइकर तो लेकर आना ही पड़ेगा, ठीक है। और नहीं तो एक और काम भी कर सकते हो कि आप लोग अगर तो अपने कैरेक्टर को देखो तो जिनका बर्न इम्यूनिटी रहेगा उनको लेकर आ जाओ, वो आप लोग अच्छा हेल्प कर देंगे। मरो ना बे। ओके, वी हैव आवर बॉस। ये क्या मजाक है भाई, रुको आपको बताते हैं हम किस बारे में ऐसे बोले। मरना, हाँ नहीं तो 35,000 का CP है, 2,00,000 ज्यादा CP कैरेक्टर हम लेकर आए हैं, मरना नहीं है इसको। मतलब भाई लात शर्म ही है क्या? ओके, तो अब अपने को इफेक्ट चूज करने देंगे। 4% चांस टू रीसेट एक्टिव स्किल 2, ठीक है, एक्टिव स्किल 3, और 10% चांस टू, एक सेकेंड, 10% चांस डिक्रीज एक्टिव स्किल 2 कूल डाउन बाय 1 सेकेंड अपॉन लैंडिंग एक्टिव स्किल। ओके, तो यहाँ गाइस इतना समझ में आ रहा है कि हम लोग थोड़े स्ट्रेटाइज करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपको बताते हैं। 4% चांस है, ठीक है, कि आप लोग एक्टिव स्किल 2 को तुरंत रिसेट कर दो एक्टिव स्किल 2 को इस्तेमाल करते हुए, सेम एक्टिव स्किल 3 के लिए भी है। मगर यहाँ पे 10% चांस है कि हम लोग एक्टिव स्किल 2 का कूल डाउन डिक्रीज करेंगे 1 सेकेंड जब लोग एक्टिव स्किल 2 इस्तेमाल करेंगे। तो हम क्या प्रिफर करें, हम एक काम करते हैं, हम एक्टिव स्किल 3 ले लेते हैं। अब आप बोलो क्यों ऐसा, ये देखो हम लोग ये हमारे कूल डाउन कार्ड्स तो लेकर जाएंगे ही, और भी हम लोग स्ट्रेटेजी तो करेंगे ही, मगर अगर हम लोग स्ट्रेट अवे अगर रीसेट मिल जाता है देन इट्स गुड। तो हम लोग स्किल 3 पे ही रखेंगे। और देखो जैसे कि मेरे ल्यूक और रियू यही दोनों स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स हैं, तो इन्हीं का हम इन दोनों का हाई पावर थर्ड स्किल में ही है, तो इसीलिए हम इन दोनों को लेकर आए। मगर एक काम हम यहाँ करते हैं, हम यहाँ रियू को हीलिंग स्ट्राइक कर देते हैं, क्योंकि भाई हम लोग यहाँ डैमेज ले रहे हैं। अच्छा ठीक है, और यहाँ टीम में हम किसी और को ले जाते, चुनली को ले जाते ताकि स्ट्रीट फाइटर टीम को हम लोग बफ मिल जाएगा, या फिर एम बाइसन जो भी स्ट्रीट फाइटर टीम से ऊपर में रहेगा उसी को ले जाएंगे हम लोग। तो यहाँ पर फिलहाल कोई दिख रहा है क्या? फिलहाल तो हमको नहीं दिख रहा है कोई। कहाँ है बे? आ ये रहा, बहुत ज़्यादा नीचे थे, इतने नीचे हम एक्सपेक्ट नहीं किए थे। खैर छोड़ो,
यहाँ पे क्या है शॉक डैमेज, ठीक है, हम लोग शॉक डैमेज रिसीव करने वाले। तो अगर आपके पास कोई भी ऐसा कैरेक्टर हो जो शॉक डैमेज से इम्यूनिटी हो या फिर कुछ भी वैसा हो, तो आप लोग उस कैरेक्टर को लेकर आओ, ठीक है। यही हिसाब से हम लोग यहाँ खेलना रहेगा। अब यहाँ हम लोग सभी कैरेक्टर्स को बिल्ड करना पड़ेगा अच्छे से स्ट्रेटाइज करते हुए, ठीक है। नहीं तो अगर आप रॉ पावर है तो आप लोग तो स्ट्रेट अवे बुली करते हुए चीज़ को क्लियर कर दोगे, मगर न्यू प्लेयर्स के लिए ये बहुत सही अपॉर्चुनिटी है स्ट्रेटाइज करके खेलने के लिए। मगर ये भी चीज़ है न्यू प्लेयर्स के लिए थोड़ा हेडेक वाला काम भी हो सकता है, क्योंकि उनको लगेगा कि भाई कितने कैरेक्टर्स को किसको किसको अब अपग्रेड करके रखे हैं। अरे भाई भाई जान अभी, और हम तो बोलेंगे अपने जब भी आपका बॉस आएगा ना तो उसका सिनेमेटिकली रुके रहें ताकि आपके स्ट्राइकर का कूलडाउन आ जाए। जैसे हम रुके बॉस को तो हम तुरंत मार देंगे, नहीं तो हम डैमेज खाते रहेंगे शॉक का, मगर इतना देर में हम स्ट्राइकर को अपने नीचे ला कर अपना रियो का हेल्थ वापस से भर दिए। तो ऑल इन ऑल यहाँ पे अपने को थोड़ा दिमाग लगा कर थोड़ा स्ट्रेटेज करके खेलना पड़ेगा। ओके हम लोग पास फिर कुछ है पर्पल फाइटर का, हम लोग का डैमेज डील इंक्रीज हुआ है 20% से। अनगवर्नेबल पावर, बाप रे, 5% चांस टू इंक्रीज डैमेज बाय 40% है येलो एलिमेंट, ठीक है। रैथ ऑफ एम्बर्स, भाई ये टर्म्स तो बहुत हेवी वे ले यार। इंक्रीज डैमेज बाय 20% व्हेन अ ब्लू फाइटर एचपी 80% और लेस। हम इसको लेंगे क्योंकि री और ल्यूक अब आप लोग समझ चुके होंगे, तो हम लोग इनको सिलेक्ट कर लेते हैं। चलो एक और मैच खेल ही लेते हैं क्योंकि थोड़ा मज़ा तो आ रहा है। स्टेज 3 जहाँ पे हम लोग को चिल डैमेज होने वाला है। और देखो अगर आपके पास ये वाली चुनली बिल्डअप है ना, ठीक है, आपको हम दिखा देते हैं। मतलब हम लोग की जो स्ट्रीट फाइटर वाली चुनली है, कहाँ गई वो, एक सेकंड, ब्लू बैलेंस। तो अगर आपके पास ये वाली चुनली है, अगर आप लोग इसको थोड़ा अपग्रेड करके रखे हो, खिला पिला के मजबूत रखे हो, तब हम बोलेंगे इस ऐसे स्टेज में इसको लेकर आओ, क्योंकि जितना हमको याद है इसके स्कोर में शायद फ्रीज हाँ और चिल रिफ्लेक्ट है, तो चिल डैमेज तो ये लेगी ही नहीं, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया कैरेक्टर रहेगी ऐसे स्टेजेस के लिए, तो शी इज़ हाईली रिकमेंडेड फॉर दिस काइंड ऑफ स्टेजेस। यस और हाँ गाइज, यहाँ छोटा सा प्रमोशन हम अपन करना चाहेंगे अपने चैनल को लेके, क्योंकि अगर वापिस बोल रहे हैं, अगर आप लोगों का एनिमे में इंटरेस्ट है, आप लोगों को एनिमे रिलेटेड वीडियो देखना पसंद है, और खासकर अगर आप लोगों को नारुतो देखना पसंद है, तो आप लोग मेरे एनिमे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम ऐसे प्रमोशन करते नहीं हैं, मगर हाँ वहाँ वो वाले चैनल पे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। मतलब आप लोग वीडियो देख कर समझो भाई काम तो हुआ है वीडियो पर, तो इसीलिए बोल रहे हैं। अगर आप लोग मर्जी देखना चाहो देख सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं भाई देखना ही पड़ेगा, मन है तो देख लो, तो फिर क्या ही बोले। और हाँ गाइस, एक तो छोटा रिक्वेस्ट आप लोग से, हम एक टारगेट रखना चाहते हैं कि क्या हम लोग इस महीने के एंड तक 900 सब्सक्राइबर्स रीच कर पाते हैं। देखो आप लोगों का सपोर्ट रहा तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और हाँ, जिन लोग मेरे वीडियोज़ को रोज़ देखते हो, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं हो, क्या कर क्या रहे हो भाई, रियू भी गुस्सा होकर पलट गया देखो, ठीक है। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो करो जल्दी से। और यहाँ क्या है, फॉलो द विंड, मूवमेंट स्पीड 2% इंक्रीज हो जाएगा। मैजिक क्रिएटेड बाय चांस, 2% चांस टू रीसेट एक्टिव, ठीक है। पहला स्किल हम लोग रीसेट कर देंगे फॉरवर्ड रोल करते हुए। इंक्रीज डैमेज ऑफ बेसिक कॉम्बोज बाय 20%, आई विल पुट होल्स इन यू। भाई ये लाइन ना ऐसे नहीं लिखना चाहिए था, आई विल पुट होल्स इन यू, ठीक है। अच्छा ठीक है, हम यहाँ पर क्या लेंगे, हम मूवमेंट स्पीड प्रीफर करेंगे, तभी तो स्पीड स्पीड खेलें तो मज़ा आ जाएगा ना, तो वही है। हाँ हम इसी को लेकर खेलेंगे। चलो चलो गाइज, आज कल लोग 3 स्टेजेस खेलते हैं क्योंकि एक ही दिन में सारे से उन्हें खेलना है। तो अगर आप लोग और भी डीमॉस बेस वाले वीडियो गेम प्ले देखना चाहते हो, हमको नीचे कमेंट जरूर बताना, और ऐसे तो हम आप लोगों को फिर साथ ही साथ बताते रहें कि हाँ आप लोगों को कैसे क्या लेना चाहिए और क्या क्या ऑप्शन हैं आपके पास। तो फिर हम इसलिए जानना चाहते हैं कि अगर आप लोगों को डीमॉस बेस्ड रिलेटेड वीडियोस देखने हैं
तो आप लोग कमेंट सेक्शन खुला पड़ा, आप लोगों को बताना नीचे। और गाइस वीडियो को एंजॉय कर, लाइक मारो, चैनल को सब्सक्राइब मारो, क्योंकि देखो कुछ भी हो जाए वीडियो तो आएगा, रात का 12 बजे 2 बजे उससे मतलब नहीं है, वीडियो तो आएगा, ठीक है। तो फिर गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय।